जय सोलदेव साथियों, जय सोलदेव। मैं निर्माता वीरेंद्र प्रताप राजभर, महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म प्रोडक्शन स्मिता म्यूजिक कंपनी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आज बहुत ही सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे गायक छोटे लाल बनारसी राजभर जी, जो बनारस से चल के आए हुए हैं, कल के ही आए गए होंगे। आप लोगों को मैं सूचना दे दिया था, लेकिन आज मैं वीडियो भेज रहा हूँ। और साथ में ब्रिजेश राजभर, युवा राजभर समाज में आज पूरा तड़का मचा दिए हैं। बहुत बड़ी बात है कि आज यहाँ स्टूडियो पर आए हुए हैं। तो पहले राजकुमार, पहली मुलाकात है तुम राजकुमार यादव जी, आप क्या हैं? गायक हैं। बहुत बढ़िया ब्रिजेश जी, पहले सवाल आपसे जी, बताइए। आप हम लोगों से हमेशा नेट पर मुलाकात होती थी, बिल्कुल। और भैया जी के जो माता जी स्वार हुई, पहली मुलाकात मेरी आपका वहाँ हुआ जी। लेकिन आज आपको स्टूडियो में आकर के यहाँ पर देखिए कितना काम जो है राजभर समाज के नाम से शुद्ध हुआ है। राजभर, देखिए राजभर महाराजा सुहेलदेव, ये एल्बम का रजिस्ट्रेशन हुआ है। राजभर राजा डलदेव, ये भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। भैया का देखिए कैसे कितना लॉन्च हुआ है यहाँ से। राजभर का बदला लूंगी सिंदूर की कसम, ये देखिए है निरहू राजभर क्रांतिकारी। और इधर देखिए राजभर मुकेश कुमारा वर्दी वाला, और इधर है राजभर प्रधान पर चलाया कमीना गोली। उसके बाद देखिए अमर शहीद अर्जुन राजभर ये, और उसके बाद तमाम यहाँ पर कैसेट लॉन्च है। लेकिन ये मैं राजभर समाज का टाइटल जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, फिल्म विभाग के इतिहास में आप जाएंगे तो हाँ मिलेगा दस्तावेज। हम रहे या न रहे, आने वाली पीढ़ी अगर हमारी फिल्म विभाग में जब जाएगी, जब कागज जांच करेगा तो बताएगा इतने सन में वीरेंद्र राजभर फिल्म निर्माता बना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ और उसको गाए छोटे लाल बनारसी राजभर जी ने गाया। जिसके वजह से आज मुझे बताने बहुत गर्व हो रहा है, आज छोटे लाल भैया हमारे जो गाना गाए हैं उसके वजह से विश्व में पहले बिरहा गायक राजभर समाज से हुए हैं। इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब उस समय टाइटल रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो लोग समझ नहीं पा रहे थे आप इतना क्यों कर रहे हो। लेकिन मैं जान रहा था क्यों कर रहा, तो मैं इतिहास वही रच रहा था जी जी। अब उस जो है रचे गए इतिहास में अब हमको आभास हुआ कि भैया को इतनी बड़ी उपलब्धि मिल गई है। तो आज यहाँ पर आप आ करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? साथियों जय सुहेलदेव, और मैं बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माननीय वीरेंद्र राजभर जी ने, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनके बारे में जाना सुना था। आज पहली बार मैं इस स्टूडियो में आने का हमको सौभाग्य मिला, और बड़े भाई छोटे लाल बनारसी जी जो हमारे एक तरह से मार्गदर्शक हैं, गार्जियन के रूप में हैं, कहीं दिक्कत तकलीफ आती है तो आपसे हम लोग रूबरू हो लेते हैं और उसका हल तुरंत दे देते हैं हमको। तो साथियों आज इस स्टूडियो में आ करके हमको इतना गर्व महसूस हो रहा है कि एक समाज का प्लेटफॉर्म मिल गया हमको, और समाज के इतिहास को लेकर के आपने महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म प्रोडक्शन एवं स्मिता म्यूजिक कंपनी, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपने खड़ा कर दिया है। और मैं स्टूडियो और इस लाइव वीडियो के माध्यम से पूरे देश के राजभर समाज के लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी कॉन्टेक्ट के माध्यम से, अगर आप लोगों को अगर कोई कांटेक्ट चाहिए तो हमारे माध्यम से, और कहीं ना कहीं इंटरनेट पर जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जुड़ने की कोशिश करिए। और समाज का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा हो चुका है, और जितना भी ये क्रिया प्रक्रिया गतिविधि चल रही है पूरे देश में, समाज में इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, उसी दौरान एक मुहिम के अंतर्गत एक क्रांतिकारी रूप देने के लिए मैं खुद ब्रिजेश राजभर जिला प्रभारी वाराणसी होने के नाते सुहेलदेव पार्टी का मैं एक छोटा सिपाही हूँ, लेकिन एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आज मैं शायद मजबूर हो गया। बहुत दिन से सुना था, आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सौभाग्य आज हमको मिला और इतनी खुशी मिल रही है कि साथियों आप लोग भी जुड़ने की कोशिश करिए, और यहीं से न्याय होगा समाज का। और मैं आज अपील किया कि सर हम लोग दूसरों के बीच में कोई अभिस्त्री पार्टी होता है और कोई अजय देवगन के नाम से, हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं अपने इतिहास को? हमारे इतिहास तो स्वर्णिम इतिहास यहाँ रखा हुआ है, आप उस मुहिम को चला रहे हैं, और हमको इतना बड़ा गौरव है कि ऐसे ऐसे महारथी समाज के लिए
आगे प्लेटफॉर्म बना चुके हैं, सारी गतिविधि बना करके इन्होंने हमको बताया। आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मैं सोचा था, मैं लाइव के माध्यम से आगे मैं बताया था कि क्यों ना अपने इतिहास को हम लोग लिख दें। इस मुहिम में पिक्चर मूवी जो भी बनाना है, हम दूसरे के सहारे क्यों रहे। तो आप साथियों से अपील है, निवेदन है कि आगे एक मुहिम हम लोग चलाएंगे, उसमें कुछ सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा समाज कहीं न कहीं बहुत गरीब समाज है, अशिक्षित समाज है, और इसको सजोने संवारने में बहुत समय लग जाएगा। और ये प्लेटफार्म मिलने में बड़ी दूरी बनी हुई थी, और आज बड़े भाई ने ये प्लेटफार्म पे खड़ा कर दिया है, इतना गर्व की बात है। इसमें आप लोगों को जुड़ने की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ। और बड़े भाई ने इतना बड़ा प्लेटफार्म बना दिया है, और ये पिक्चर बनाने जा रहे हैं। हमको इतना खुशी हुआ कि जो भी हमारे जिंदगी का कमाई होगा, और जितना हो सकता है मैं सहयोग करने के लिए, सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के तरफ से, मैं आपका सहयोग करने के लिए एकदम तत्पर हूँ भाइयों। और आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस मुहिम में आप लोग सहयोग करिए, और आगे क्या प्रोग्राम रहेगा ये फिर लाइव आकर के डॉक्यूमेंट और एक मीटिंग के माध्यम से हम लोग एक तय सीमा बना लेंगे कि किस तरह से करना है। उसमें आप लोगों को सहयोग की जरूरत है, और बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बड़े भाई ने इतना सम्मान दिया, आज एकदम सीना गर्व से चौड़ा हो गया भाई। जय सुहलदेव, हर हर महादेव, जय।